नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आपके सामने है। लगातार एग्जिट पोल हर एक चैनल अपने अपने तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। हकीकत क्या है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किसी भी एग्जिट पोल में जिक्र नहीं है। अदर्स में जिस तरह की बात की जा रही थी शुरुआत से कि क्या असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या मुस्लिमों को अपनी तरफ रिझा सकते हैं, ला सकते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर साबित हो सकते हैं, इन सारे सवालों पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है। हालांकि हमने जिस तरह से कवर किया है उत्तर प्रदेश के चुनावों को, उसमें अगर हम बात करें तो सहारनपुर से लेकर के आप पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वहां की हमने सीटों का जहां जहां हम गए हैं वहां की हमने बात की थी और एक छोटा सा एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा था जिसमें तकरीबन 12 से 15 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको ये कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं वो जीत की दौड़ में आगे चल रहे हैं। अभी उनमें से एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका नाम छूट गया था। अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दी, बताया और सवाल खड़ा किया और उनके सवालों का, उनके डिस्कशन का, उनके कंसर्न का हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मन्नान का जिक्र किया और बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने भी उस सीट का मुआयना किया है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, बलरामपुर से उतरोला विधानसभा है, उतरोला विधानसभा से डॉक्टर अब्दुल मन्नान का नाम आगे आता रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह का गठजोड़ है डॉक्टर अब्दुल मन्नान सीट निकाल सकते हैं। हमारे जो एग्जिट पोल या जिस तरह से हमने जो रुझान सामने रखे थे उसमें इनका नाम छूट गया था। अब जब हमने दोबारा से इनका नाम लिया और इनकी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी ली तो जिस तरह से बताया जा रहा है, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान की एक व्यक्तिगत छवि ऐसी है और इसके अलावा पीस पार्टी के ये पदाधिकारी रहे हैं। लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है और पीस पार्टी पहले से ही चुनाव लड़ी है, 4 विधायक भी एक बार में जिता चुके हैं और उसके अलावा अब जो है डॉक्टर अब्दुल मन्नान को टिकट मजलिस से हुआ और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिस्सेदारी की बात अपने भाषणों में करते हुए नजर आए, मुस्लिमों की कयादत की बात करते हुए नजर आए और उन्होंने जिस तरह से स्पीच इस पूरे विधानसभा चुनावों में दी है उसका एक खासा असर पड़ा है। तो डॉक्टर अब्दुल मन्नान को एक रुझानों की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी जीत का परचम लहरा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि OBC और मुस्लिम ये दो वोट बैंक ऐसे हैं वहां पर जो कि बहुल्य हैं और इन्हीं को मिलाकर के वहां पर सरकार बनती है, मतलब विधायक बनता है, माफ कीजिएगा, और विधायक बनता है। और इसका पहले का अगर हम इतिहास देखेंगे तो इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस सपा के गढ़ में सेंध लगाई 2017 के चुनाव में बीजेपी ने ये कहो कि मोदी लहर या जो भी कहो, 2017 में 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और उसी 300 प्लस सीटों में ये गढ़ भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था। उससे पहले 2012 में सपा को यहां से जीत हासिल हुई थी और इस बार डॉक्टर अब्दुल मन्नान के साथ कुछ और प्रत्याशी भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और हासिफ खान जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, राम प्रताप BSP से हैं, मुस्तकीम अहमद आप से हैं और डॉक्टर अब्दुल मन्नान जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो है AIMIM से। अगर ये गठजोड़ देखा जाए तो इसमें हासिफ खान है समाजवादी पार्टी से और दूसरे मुस्लिम चेहरा है वो है मुस्तकीम अहमद जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में क्या है ये आप भलीभांति जानते हैं, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, उनके बयान और उनका जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं किसी NRC से लेकर के
ट्रिपल तलाक, किन किन मुद्दों पर कौन नेता जो है आपके लिए आवाज उठाई है, संसद में कौन बोला है, ये सारे मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सपा का गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश अब जो है AIMIM करती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान की एक छवि रही है और इसी वजह से इस सीट को भी कहीं ना कहीं जो अनुमान है वो ये लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स में कि ये सीट कहीं ना कहीं AIMIM के खाते में जा सकती है। बहरहाल जो टोटल ओवरऑल चाहे वो इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल हो, तमाम एग्जिट पोल्स जो सामने आ रहे हैं उसमें बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की हो रही है। इसके अलावा जिस स्तर से BSP को आंका जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक या किंग मेकर ये साबित होगी, या कांग्रेस की बात कही जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम माने तो एग्जिट पोल में साफ बहुमत दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और जहां समाजवादी पार्टी को ये कहा जा रहा था कि ये बराबर की लड़ाई है, किंग मेकर कोई दूसरा साबित हो सकता है, लेकिन बराबर से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिखा रहे। एग्जिट पोलों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब ये पता चलेगा कि एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है, लेकिन अभी हम वो सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं जो सच्चाई एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं नदारद रह गई है। आदर्श की जब हम बात करते हैं तो आदर्श पार्टियों में सबसे पहले नाम ओवैसी गठबंधन का आता है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुद अकेले दम पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इन 100 सीटों में 12 से 15 सीटें, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया, 12 से 15 ऐसी सीट्स हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से साबित हो सकते हैं रुझाने में और पब्लिक को अपनी तरफ इकट्ठा करने में साबित हो सकते हैं। क्योंकि 2017 में जब 35 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट लड़े थे 2017 में, तब मात्र एक जगह ऐसी थी जहां पर, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, संभल की हम बात करें, संभल में दूसरे नंबर पर मजलिस के कैंडिडेट रहे थे जो जमानत जब्त उनकी नहीं हुई थी। बाकी सभी जगहों पर जो है जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार काफी रुझान बेहतर है और इस बार बहुत सी जगहों पर जीतने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है उतरोला की हमने बात की, अगर आपकी नजर में कोई ऐसी सीट है, आपकी नजर में कोई ऐसी विधानसभा है जो हमसे छूट रही है, या किसी पार्टी को लेकर, किसी कैंडिडेट को लेकर आपको लगता है कि इनकी जीत या इनके इनका जो रुझान है वो बेहतर है, वो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर बता सकते हैं, जिस पर हम रिसर्च करके आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल मन्नान का नाम हमसे छूटा था इसलिए हमने दोबारा रिसर्च की और देखा कि हाँ, इनका जो है अच्छा वर्चस्व बताया जा रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप भी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।